सरकार जहां करोड़ों रुपए खर्च कर मूलभूत आवश्यकता की प्रथम जरूरत पीने के पानी जो इंसान और जीव जंतुओं के लिए अति आवश्यक है तथा जिसके बिना जीवन संभव नहीं, पानी उपलब्ध कराने के लिए निरंतर अथक प्रयास कर रही है। वहीं उपखंड किशनगढ़ बास के ग्राम पंचायत नूरनगर के ग्रामवासी रायपुर मेवान में 2 वर्षों से पीने के पानी के लिए उनको लाले पड़े हुए हैं। पानी नहीं मिल रहा, हम पिसाए मर रहे हैं, ढोर पिसाए मर रहे हैं, बालक परेशान हो रहा है, नहाए आके जंगल का बिना धो सका। कितने दिन से समस्या है? 2 साल से। सरकार जहां आमजन के लिए पीने का पानी सहज उपलब्ध करवाने का दावा करती है, वहीं ग्राम रायपुर मेवान की अनुसूचित जाति वर्ग के लोग पानी नहीं मिलने के कारण गांव से शैन शैन पलायन करने लगे हैं। हमारे गांव में पानी की समस्या है, 2 साल से पानी की समस्या है, 2016 से, और अब तक पानी की समस्या, सारे बोरिंग सूख गए हैं और पानी नहीं है। लोग यहाँ से गाँव से जो है प्लान कर रहे हैं, कुछ बाकी चले भी गए, और प्रशासन से बड़ी कोशिश की है लेकिन प्रशासन ने आज तक कोई नहीं सुनी। ग्राम रायपुर मेवान में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जनता जल योजना के तहत एक बोरवेल तथा पानी की टंकी का निर्माण करवाया था जो अक्टूबर 2016 को सूख चुका है। इसके उपरांत ग्राम वासियों ने अपने स्तर पर चंदा एकत्रित कर बोरवेल को गहरा करवाया लेकिन पानी नहीं मिल पाया। ग्राम पंचायत नूर नगर द्वारा इस गांव के लिए पीने के पानी हेतु कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कराई गई तथा बोरवेल कनेक्शन को कटवा दिया गया। इसके बाद इस गांव के गरीब लोग पीने के पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। 2 बोर पहले कराए गए, वो बिल्कुल सूखे निकले। नूर नगर से 1 बोर के लिए अपील की गई, उन्होंने हमें पानी नहीं दिया, और हमारे यहाँ पानी पीने के लिए बाहर से टैंकर मंगाते हैं, हम उसी से गुजारा कर रहे हैं। नौबत इतनी आ रही है कि लोग गांव छोड़ने के लिए तैयार हुए पड़े। राज्य सरकार द्वारा ग्राम रायपुर मेवान के लिए जनता जल योजना अंतर्गत 45,39,000 रुपए की स्वीकृति की गई, जिसके चलते जलदाय विभाग द्वारा ग्राम रायपुर मेवान में 2 बोरवेल किए गए थे जो दोनों ही सूखे निकले। इसके बाद जलदाय विभाग द्वारा ग्राम नूर नगर के सार्वजनिक जोहड़ पर बोरवेल चिन्हित किया गया तथा बोरिंग कार्य शुरू किया गया, तो ग्राम नूर नगर के लोगों ने रायपुर मेवान के लिए पानी ले जाने का भारी विरोध करते हुए बोरवेल मशीन पर पथराव कर वापस लौटा दिया। पानी की किल्लत के कारण रायपुर मेवान ग्रामवासी पलायन के लिए मजबूर हो चुके हैं। ये 2016 से पानी की प्रॉब्लम है, इस वजह से लोग पशु बेच रहे हैं, कुछ लोग गाँव छोड़ने की कोशिश करते हैं। अब पानी की प्रॉब्लम होने से पशुओं को पानी पिलाने के लिए दिक्कत होती है, कुछ लोगों ने गांव छोड़ दिया, कुछ लोग गांव छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि पानी की भारी किल्लत के चलते कुछ लोग तो गांव छोड़ चुके हैं और कुछ लोग गांव छोड़ने की तैयारी में हैं। लोगों ने अपने पशु सस्ते दामों में बेचना शुरू कर दिए हैं। बच्चे भी स्कूल में पानी की कमी के कारण धीरे धीरे स्कूल छोड़ने लगे हैं। यदि गाँव में पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो शायद गाँव वालों के पास गाँव छोड़कर जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा।